आजमगढ़ में जहां 15 कोरोना के मरीज पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें से 9 जहां ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, 1 की मौत और 5 का राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज किया जा रहा है। मैं मौजूद हूं ये बलरामपुर चौराहा, आप देख सकते हैं कि तमाम जो शासन द्वारा निर्देश किया गया है, तमाम दुकानों को खोलने के लिए लोगों के लिए काफ़ी छूट, काफ़ी रियायतें दी गई हैं, लेकिन साथ साथ इस बात का भी अपील की गई है कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे और बाइक पर एक चलेंगे। इसके बावजूद लोग एक पर दो गाड़ियां चल रहे हैं, जबकि महिलाओं के लिए छूट दी गई है, एक बाइक पर महिलाओं सहित चल सकते हैं। बसों का देख सकते हैं आप, आवागमन पूरी तरीके से चल रहा है तमाम दुकानें, लेकिन लोगों को इस बात को सोचना होगा जो कोरोना महामारी संक्रमण के लिए उसका जो सोशल डिस्टेंस और दुनिया बना के रखना होगा। इसके साथ साथ जनपद आजमगढ़ की बात करें तो जनपद आजमगढ़ में कंटेनमेंट जोन जहां 4 हैं, जहां बड़ी संख्या में सख्त चिट्ठी मुबारक उस क्षेत्र में पाया गया था, उस क्षेत्र को लेकर हालांकि कार्यकाल पूरा हो गया, औपचारिकता बाकी है उसको उस परिधि से बाहर करने की। डीएम द्वारा इस बात को लेकर कहा भी जा रहा है कि लॉकडाउन 3 का जिस तरीके से अनुपालन किया गया है, उसी तरीके से लॉकडाउन 4 में भी अनुपालन किया जाएगा। आजमगढ़ से सनी के साथ वेदेन प्रताप शर्मा, के न्यूज़ इंडिया।